मैं प्रैक्टिस पे आती हूँ तो यही सोच के आती हूँ मैं सबसे अच्छी प्रैक्टिस करूँ, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ, ताकि सबसे अलग दिखूँ, सबसे अलग करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सबसे अलग प्रैक्टिस करता है एक चैंपियन। जब मैं 10-11 साल की थी तो मैं रेसलिंग करने लगी थी। जो मेरी बड़ी वाली बहन है कबड्डी खेलती है, वो चाहती थी कि मैं कुश्ती करूं। जब 2022 में कॉमनवेल्थ के ट्रायल हुई थी उसमें मेरी विनेश दी के साथ बाउट हुई थी, विनेश फोगाट के साथ। कॉमनवेल्थ के ट्रायल में मैं 3-3 से हार गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने और ज़्यादा मेहनत स्टार्ट की। जब मैं जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए गई थी तो वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया और मैं भारत की पहली महिला बनी जिसका जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया। और ऐसे ही फिर मेरा सीनियर एशिया चैंपियनशिप में मेडल आया 2023 में। मैं तो ये सोचती हूँ मेरी कॉमनवेल्थ के बाद मेरी बहुत लाइफ चेंज हुई। मेरा कोई भी मैच होता है तो अगर मैं उसमें हार भी जाती हूँ तो यही सोचते हो कि मैं आगे अच्छा करूँगी, शायद भगवान ने मुझे इसलिए रहा था कि मैं और अच्छा कर सकूँ आगे, इससे कुछ सीख सकूँ। वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो सेमीफाइनल बाउट हुई थी मेरी, मैं जीत रही थी, लास्ट की 1 सेकंड बाकी थी, उसके अंदर जहाँ से पॉइंट नहीं देना चाहिए था मैंने वहाँ से पॉइंट दे दिया था। तो मेरी जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं शायद उन्हीं के ऊपर मुझे काम करना चाहिए और ज़्यादा अच्छे से ध्यान दूँगी तो शायद इन छोटी गलतियों की वजह से बच कर मैं और ज़्यादा मेडल लेके आऊँ। जब हम मैट पे चढ़ते हैं उससे पहले ये रहता है कि भाई क्या होगा, लेकिन जब मैट पे एक बार चले जाते हैं तो ये नहीं सोच के जाते कि भाई डर लगता है, सिर्फ ये होता है कि भाई अब तो लड़ना ही है, अब तो जीत के जाना है। ओलंपिक में लड़कियों में एक ही मेडल आया है साक्षी मलिक का, तो मैं यही चाहती हूँ कि सभी देशवासी मेरे ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, तो मैं उनके भरोसे के ऊपर खड़ी हूँ। अंतिम जो भी ठान लेती है वो करके रहती है।